मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने के बाद सबसे दुविधा की स्थिति में अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष लगातार समर्थन में बातें कर रहे हैं, तो वहीं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गीता कोड़ा उसका विरोध कर रही हैं। ऐसे में खुद राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं, राजेश ठाकुर से ही जानते हैं जो विरोधाभास की स्थिति है कांग्रेस के अंदर। आखिर कांग्रेस की राजनीति आखिर इस मुद्दे पर आखिर क्यों खंडित हो गई है, तमाम परिस्थितियों के बीच राजेश ठाकुर खुद हमारे साथ हैं। कांग्रेस आखिर ऊहापोह की स्थिति में क्यों है? प्रदेश अध्यक्ष समर्थन करते हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विरोध करती हैं। कहाँ विरोध किया है? उन्होंने कहा तो है कि ठीक है, हमारे यहाँ जो 64 का मसला है कोल्हान में, वहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ की भावनाओं को देखेंगे, और हमने तो एक लाइन खींच दिया है। अब उस लाइन से कई चीज़ें निकलेंगी जो मसला सामने आया है, तो वो कोई अलग तो बात कर नहीं रही है। वो बात कर रही है कि जो मूलवासी हैं और यहाँ के आदिवासी हैं उनका 64 में सर्वे हुआ है, उस अनुसार इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। में ये बात जाएगी सदन में, जब बात जाएगी तो निश्चित रूप से सदन में जब कोई बिल आता है तो उसमें संशोधन दिए जाते हैं, संशोधन देंगे तो निश्चित रूप से उस पर सदन विचार करेगा। लेकिन लगता है कांग्रेस पार्टी में स्थिति के बारे में बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं की गई, ऐसा कांग्रेस पार्टी पर आरोप? नहीं नहीं, देखिए पता नहीं कौन कैसे बोलता है, आरोप लगाने वाले 24 घंटा से बोलती बंद है, बोल ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बोले। कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, अब कौन भी नहीं नहीं सांसद बोल रही है, तो उनकी भावना को तो मैंने कहा ना कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर वहाँ के लोग कोई लाभ मिलना है और उससे क्यों वंचित रह जाएंगे? और आपको मालूम है कि जब लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी में जब कोई सदन में बिल आता है तो उस पर संशोधन की गुंजाइश रहती है, संशोधन देंगे वहाँ के जनप्रतिनिधि। जो MLA चुनाव जीत के आए हैं उनको अगर लगेगा कि 40 लाख लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं तो अपना सदन में संशोधन देंगे, उस पर विचार किया जाएगा। और विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी कहा है कि विचार नहीं हुआ है, आनंद फानन में ये फैसला लिया है, बंटवारे की राजनीति है इसमें। नहीं, निश्चित रूप से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की भावनाओं का ख्याल रख करके अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब सामूहिकता में बात होती है तो कई निर्णय ऐसे चौंकाने वाले होते हैं इसमें कहीं कोई। और जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी कोई फैसला होता है तो उसमें थोड़ी बहुत बातें आती है। हमें लगता है कि जिन लोगों ने 32 के खतियान के बाद में बड़ी बड़ी बातें करते थे, 20 वर्षों में कुछ नहीं किया, आज हुआ है तो तरह तरह से बातें आएंगी, उसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारी विधायक ने कहा कि सभी लोगों का इस राज्य में सम्मान है, तो उसमें कहीं कोई गलत बात तो नहीं। 1932 का खतियान जिसके पास नहीं होगा, जो लोग बाद में आए हैं उनका तो, उनका क्या करेंगे? इतनी बात तो कही गई है कि ग्राम सभा है, विधानसभा है, लोकसभा है, सब जगह गुंजाइश है। हमने एक लकीर खींच दी कि इस पर राजनीति बंद करो। जो लोग 32 का बैकड्रॉप लगा करके और तमाशा दिखा रहे थे लोगों को, उनको हमने बता दिया कि राजनीति मत करो, जो बात है हकीकत में सामने आओ और सड़क पर आओ और सामने में खड़े होकर के बोलो कि 32 चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्लियर करना होगा। दोगलापन जो होता है वो नहीं चलेगा और दोहरी बातें नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सर? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई, ऐसे कई दल हैं जो उसके नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं, सबके दुकान में ताला लग गया है, अब सब उसी में बैठ करके बंद दरवाजे में बातचीत कर रहे हैं कि करना क्या चाहिए, क्या बोलना चाहिए। 24 घंटे हो गए बोलती बंद है। आप अगर किसी का बयान मिला है तो बताइए, कोई दिया बयान? नहीं देगा, क्योंकि वो लोग किसी के नहीं हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच वाले लोग हैं, तो बीच वाले लोगों की बात अब नहीं चलती। आप लोग राजभवन भी गए थे, मुख्यमंत्री राजभवन गए थे, जो उन्होंने राज्यपाल से बात कही है, ये नहीं लगता कि जानकारी की कमी है मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है उसमें जानकारी का अभाव है? आप भी लंबे समय तक राजभवन में भी रहे हैं, क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री को बताएंगे अपना फैसला या निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे? यहाँ कहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में या मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं उनमें सलाह की कमी है, कार्य क्षमता की कमी है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक सीधा संबंध है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल महोदय दिलाते हैं।
राज्यपाल महोदय के यहाँ सचिवालय से सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से खबरें आती है कि सदस्यता जा रही है, 3 साल का बार कर दिया, 5 साल का बार कर दिया। महामहिम अभिभावक हैं, अब वो ऐसे आ करके तो बयान देंगे नहीं, तो मुख्यमंत्री जी ने जाके सीधा पूछ लिया है कि भैया करना क्या है ये बताइए, अब इसमें कहाँ कोई गलती है। तो जानकारी का अभाव है, ये तो चुनाव आयोग को वो अपने जवाब भेजेंगे, ये तो जानकारी का मुख्यमंत्री कार्यालय के जानकारी का अभाव भी दिखाई। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को है कि आप लोग कौवा कान लेके चला गया उसमें दौड़ने लगते हैं। आज 15 दिनों से, 1 महीने से अगर कोई अस्थिरता जैसी चीज़ दिखाई देती है तो एक ट्विटरबाज के कारण और ट्विटरबाज के पीछे पीछे आप लोगों के चलने के कारण, वरना कहाँ क्या दिक्कत है बताइए। उस कौवेबाज के पीछे आप भी तो रायपुर चले जाते हैं। नहीं, हम रायपुर हम आपकी वजह से, कि आप लोग जो भ्रम फैलाते रहते हैं उसमें कोई भ्रम की स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं घट जाए इसलिए हम जाते हैं। आप लोगों का सम्मान भी करते हैं और आप लोग से सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों का एजेंडा कई लोग लेके चलते हैं, उस एजेंडे को तो हमको समझना पड़ेगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल से फैसले के लिए पूछते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग को राज्यपाल अपना फैसला बताएंगे और राज्यपाल के फैसलों को लेकर निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी जाएगी, अधिसूचना जारी होगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री आवास और जो उनका उनके जो सलाहकार हैं उनकी भलमानसाहत है या उनकी समझ है कि आके राजभवन पहुँच ही गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अब लगातार ऊहापोह की स्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।